ஓட்டு போட்டனால வந்த விளைவு இன்னைக்கு அந்த அந்த கூட்டத்துல ஒரு புள்ள மூஞ்சி வந்து இந்த சனாதன பேர் வேண்டியதா आज ये उदय निधि स्टालिन की औकात इसलिए बढ़ गई है कि वो INDIA नामक एक गठबंधन का सदस्य बन गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे उदय निधि के सनातन वाले बयान पर देश भर में बवाल मचा। उदय निधि स्टालिन तमिलनाडु सरकार में युवा मामले के मंत्री हैं। मुख्यमंत्री के बेटे उदय ने कहा कि कुछ चीज़ों का विरोध नहीं किया जा सकता। हम डेंगू मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें उसे मिटाना होगा। ऐसे ही हमें सनातन को मिटाना है। सनातन का विरोध करने के बजाय इसका खात्मा करना होगा। इस तरह के बयान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के साथ हिंदू संगठन आक्रामक रुख अख्तियार कर उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में धारावी में भारतीय जनता पार्टी हिंदू संगठन एकजुट होकर किया प्रदर्शन। इस प्रदर्शन में उमाकांतन, गोवर्धन चौहान, रमाकांत गुप्ता, विवेकानंद राजा, राजू चौबे के साथ असंख्य कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया और जमकर नारेबाजी की। हिंदू सनातन धर्म से कोरोना कोसुवोडुम मलेरिया कोसुवोडुम डेंगू कोसुवोडुम ओपिट्टु इंद कोसुकलै அழிப்பது போல் இந்து சனாதன தர்மத்தை அழிக்க வேண்டும் என்று ஒரு மாநாட்டிலே பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். சனாதன தர்மத்தை பற்றி இவருக்கு என்ன தெரியும்? இவர்கள் சிறுபான்மை கூட்டத்தை கூட்டிக் கொண்டு பெரும்பான்மை மக்களை கேவலப்படுத்தும் ஒரு கீழ்த்தரமான அரசியலை கையில் எடுக்கின்றார்கள். பேட்டா ஸ்டாலின் इम्पोर्टेड आइटम इटली से आया कि कहां से आया पता नहीं। बेटा उदय निधि स्टालिन ये पता नहीं, जैसे राजू जी ने बताया एक एफिडेविट दिया था। आज ये उदय निधि स्टालिन की औकात इसलिए बढ़ गई है कि वो INDIA नामक एक गठबंधन का सदस्य बन गया है। कीटाणु जब तक देश में है, कांग्रेस मुक्त जब तक भारत नहीं होगा, तब तक देश में हिंदुत्व के खिलाफ ये कुत्ते भौंकते रहेंगे हमारे बीच में। उमाकांतन जी, ऐसे सुंदर जी, मुत्तु किशन जी, इसलिए इन्होंने धर्मांतरण कर लिया। लेकिन एक परिवार का ही खून का कमी है या केमिकल लोचा है, उनके बेटे पोते बहुए आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए भी शर्म कर रहे हैं कि हम अगर उनको श्रद्धांजलि देंगे तो लोगों को लगेगा हम फिरोज खान के वंशज थी। उस न्यूज के आधार पे तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ऐसा कहा, इससे दो राज्यों के बीच में या दो समुदाय के बीच में झगड़ा हो सकता है, इसके लिए इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह लगाया जाए। और तुरंत कोर्ट ने उसको संज्ञान लिया और तुरंत उस बेचारे को कई महीनों से आज मनीष कश्यप को जेल में रखा गया है तमिलनाडु के। लेकिन वही उसी राज्य का स्पोर्ट्स मिनिस्टर उदय निधि स्टालिन आज दो समुदायों के बीच में हिंदुओं के बीच के बारे में जहर उगल रहा है, तो क्या इससे दो लोगों के बीच में झगड़ा नहीं हो सकता इस देश में? मुख्यमंत्री के बेटा उदय निधि स्टालिन MLA DMK MLA वो सनातनम के ऊपर और हिंदू धर्म उनको ऊपर खिलाफ बोलना, उसको सनातनम के पीछे क्या मालूम है? इंडिया में, भारत में राहुल गांधी के पप्पू बोलते हैं, ऐसा वो पप्पू है, तमिलनाडु का पप्पू है उदय निधि स्टालिन। उनके क्या है, सनातनम का क्या है मालूम है उनको? उनका माँ, उनका बहन का मर्द वो मंदिर में जाके पूजा पाठ करता है और ये सनातन उनके पीछे खिलाफ भाषण करते हैं। तुमको हीरो बनने के, तुम पिक्चर में जाके पिक्चर निकालते हीरो हो बनते हैं, लेकिन राजनीति में तुम पप्पू है उदयनिधि स्टालिन को मैं बोलना चाहता हूँ। आप जो है ना भाषण करते हैं ना सनातनम के पीछे, आपको क्या मालूम है हिंदू धर्म के ऊपर क्या मालूम है?
मैं बोलना चाहता हूँ, हिंदू धर्म के पीछे क्या मालूम है, जो हम लोग का जो घर का जो औरत लोग है ना, वो जाके पूजा पाठ करता है और घर पे दीप करता है, उसको बोलते हैं हम लोग सनातन, और मंदिर में जाके नमस्कार करता है उसको बोलते सनातनम। तुम वो धर्म के खिलाफ बोलना है, तुम तो इतना हिम्मत है क्या मुस्लिम समाज को खिलाफ बोलना है, क्रिश्चियन समाज को खिलाफ बोलना है, तुमको हिम्मत है क्या? अगर तुम्हारा ऊपर ताकत है, मैं चाटी लगा के बोलता हूँ, तुम महाराष्ट्र के अंदर घुस के दिखाओ, हम देखेगा। लेकिन महाराष्ट्र का अंदर पैर रह के देखो, हम तुमको निषेध करेगा, तुमको छोड़ेंगे नहीं, जो भी पासन करना है तो हिंदू धर्म का देश में धर्मांतरण का जो धंधा जोर में पहले हुआ, अंग्रेजों के समय में, बाबर के समय में, मुगलों के समय में, आज जो हिंदू भाई हमारे देश में रह गए हैं, बच गए हैं, और हम अपने अस्तित्व की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हमारे बाप दादाओं पुरखों की धरोहर है। पहले करुणानिधि नाम हिंदुत्व, बेटा स्टालिन इंपोर्टेड आइटम, इटली से आया कि कहां से आया पता नहीं, बेटा उदयनिधि स्टालिन ये पता नहीं, जैसे राजू जी ने बताया करेगा। मैं उदयनिधि स्टालिन को बोलता हूँ, आप महाराष्ट्र के अंदर घुस के दिखाओ, हम देखेगा तुम्हारा हिम्मत रहेगा। उदयनिधि स्टालिन को मैं बोलता हूँ, महाराष्ट्र के अंदर देर रह के देखो, हम देखता हूँ तुम भारत होएगा। उदयनिधि स्टालिन को मैं बोलता हूँ, तुम मरद रहेगा महाराष्ट्र के अंदर आके, तुम फेर रख के देखो, ये महाराष्ट्र का भूमि हिंदू धर्म में, यहाँ पे महालक्ष्मी का मंदिर है, गणपति का मंदिर है, साई बाबा का मंदिर है, वो पुण्य भूमि है। तुम क्या भाषण करता है पागल? मैं पप्पू बोलता हूँ उनको, इंडिया में भारत में एक पप्पू है राहुल गांधी, ये दूसरा तमिलनाडु का पप्पू है उदयनिधि स्टालिन, सदा कुछ भी बोलता है, धर्म के ऊपर बोलना है तेरे को, दूसरा नहीं है। अरे तुमको नेता बनाने का है, नेता बनने का है, दूसरा तुम काम करो। आज भारत देश में मोदी जी जितना अच्छा काम करते हैं वो टाइम देखते नहीं, रात भर दिन हम